दोस्तों, यदि आप सोच रहे हैं कि आपकी जो कटरा कटड़ी है या बछड़ा बछड़ी, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आप चाहते हैं कि जल्दी ही वो गाय बने, भैंस बने, जल्दी उनकी ग्रोथ हो, यानी कई बार आपने देखा होगा कि 2 साल लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं, उनका शरीर नहीं बनता है, दुबले पुतले रहते हैं, बहुत ही कमज़ोर रहते हैं, तो ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये दोस्तों हलीम है, एक बार देख लीजिए। इसको हलीम बोलते हैं, रसालू बोलते हैं, इसको कई नामों से जाना जाता है, हलीम, रसालू, हालीम, और देसी भाषा में हाड़ी बोलते हैं। तो ये आप अपने जो छोटे बच्चे हैं, कटरा कटड़ी है, बछड़ा बछड़ी, उनको आप ये हालून दीजिए। तो आपको क्या करना, थोड़ा सा इसका जो तीखापन होता है, ये थोड़ा कड़ापन होता है, तो एक बार इसको थोड़ा सा कढ़ाई के ऊपर या तवे के ऊपर सेक लेना है, उसके बाद में इसका पाउडर बनाना है। इस प्रकार से पाउडर बनेगा। तो पाउडर बनने के बाद में क्या करना है, आपको रोज़ 50 ग्राम इतना एक बछड़ी के लिए लेना है, जो चारा पानी खाना शुरू कर दिया है, 1.5 से 2 महीने का हो गया, तो इतना सा आपको लेना है। इसमें आपको 25 ग्राम हल्दी और 50 ग्राम सरसों का तेल, इन तीनों को मिक्स करके और किसी दलिये में मिला के आपको शाम के शाम, इवनिंग के अंदर अपने बछड़ा बछड़ी या कटरा कटरी को खिलाना है। फिर देखना दोस्तों कैसे उसकी ग्रोथ होती है। जो 2 साल में तैयार होने वाला है वो 1 साल में तैयार हो जाएगा, ज़बरदस्त फास्ट ग्रोथ करता है। इसको आप रेगुलर दे सकते हैं, सर्दियों में इसका रिजल्ट ज़्यादा मिलता है, लेकिन गर्मी के अंदर भी आप थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर शुरू करोगे तो जल्दी इनकी ग्रोथ होगी, और जल्दी ग्रोथ होगी तो आपको पता है कि जल्दी ही वो बिल्कुल गाभिन के लिए तैयार होगा, बॉडी वेट अच्छा खासा बन जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी फाइबर है, इसमें प्रोटीन है, इसमें विटामिन्स है, विटामिन 3 प्रकार के हैं, विटामिन ए है, सी है और विटामिन ई है, यानी 3 प्रकार के विटामिन है और कार्बोहाइड्रेट है। तो आप अपने छोटे बच्चों को दीजिए और जल्दी ग्रोथ करेगी। यदि आप चाहते हैं कि जल्दी ग्रोथ करे, जल्दी वो पशु बने, जल्दी गाय बने, जल्दी भैंस बने, तो आप ये यूज़ कीजिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सुपर फूड बोल सकते हैं। और इसके साथ साथ अपने पशुओं को भी, जो गाय भैंस दूध देने वाले हैं, उनको आप रोज़ 1 मुट्ठी आप या तो डायरेक्टली दे सकते हैं उनके दलिये में, या फिर जो पका के आप दे सकते हैं उनको, जो फीड बनाते हैं उस फीड के अंदर डाल दीजिए, अच्छी तरह से जब पकेगा तो फिर आप अपने पशुओं को खिलाइए, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। किसी प्रकार का डाउट आप कमेंट्स कर सकते हैं, और फिर एक नए वीडियो के साथ प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।